मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को रायसेन स्थित दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के तहत तकरीबन 15,000 से अधिक श्रमिक परिवारों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक जिलों में हुई असमय बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार आपको संकट से पार ले जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अलावा इसके राहत राशि भी दी जाएगी। चौहान ने कहा कि जनसेवा अभियान इसीलिए चलाए जा रहे हैं जिससे कोई भी गरीब शासन की किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहे। सरकार हर गरीब परिवार को घर बनाने के लिए जमीन देगी, वंचित रह गए गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने मंच से ही खाद्य वितरण और उपलब्धता की समीक्षा भी की है। किसानों को आश्वस्त किया है कि खाद्य की कोई भी कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रायसेन के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि रायसेन किले में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए रोपवे स्थापित किए जाएंगे, साथ ही सांस्कृतिक आयोजन के लिए भी सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम के निर्माण की भी घोषणा उन्होंने मंच से की है।